21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। भाइयों, आप लोगों को अगर स्वस्थ रहना है, सुंदर दिखना है, अच्छा रहना है, आप चाहते हैं कि जटिल समस्याएं आपसे शरीर से दूर रहे, जटिल बीमारी आपके शरीर से दूर रहे, डॉक्टर आपके घर पे ना आए, डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़े, सुई इंजेक्शन वगैरह नहीं लेना पड़े, तो आपको सबसे बेहतर होगा कि आप नित्य प्रतिदिन योग करें। योग करने से तन और मन दोनों सुंदर और स्वस्थ रहते हैं। योग के ऊपर जो विभिन्न राजनीतिक दल अपने निजी स्वार्थ के लिए, वोट बैंक के लिए जो राजनीति करते हैं, उनसे मैं निवेदन करना चाहूँगा, योग किसी धर्म या जाति से ना जोड़ें। योग मानव जाति को, मानव को सुंदर और स्वस्थ रखने के लिए आज के समय में सबसे ज़्यादा उपयोगी है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार आज पूरे विश्व में जल संकट छाया हुआ है, जल संकट का मुख्य कारण है जलाशय जल स्रोतों का जो है दोहन होना, लगातार दोहन होना, उसका रिचार्ज नहीं होना। अगर आप सभी राजनीतिक दल या आप सभी बुद्धिजीवी वर्ग अगर जलाशयों को पुनर्जीवित और निर्माण में अगर ध्यान दें, उस तरफ ध्यान देते, तो आज जल संकट विश्व में नहीं छाया होता। भाइयों, मैं आपको एक तरफ ध्यान खींचना चाहूँगा कि हमारे देश के अंदर, हमारे सभ्यता और संस्कृति के अंदर तालाब, कुआं, नदी, नालों की हमेशा पूजा हुआ करती थी, और कुछ राजनीतिक दल, कुछ बुद्धिजीवी वर्ग अपने निजी स्वार्थ के कारण इस संस्कृति को तोड़ने की प्रयास किया, इस संस्कृति को ढाने का प्रयास किया, जिस कारण मानव जाति का जो है निरंतर विलुप्त होना तय है। आज जल संकट है, वायु संकट है, ग्लोबल वार्मिंग है, इस सभी चीज़ों का, सभी समस्याओं का निदान अकेले भारतीय संस्कृति और हिंदी वेद धर्म ग्रंथों के द्वारा हजारों सैकड़ों साल पहले ही कर दिया गया था। हम लोग पानी लगाते हैं और साफ सुरक्षा को आगे बढ़ाते हैं।